तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 सितंबर को iPhone 16 Pro Max मतलब iPhone का जितना भी सीरीज है वो लॉन्च हुआ था। और गाइस पूरा एक महीना वेट करने के बाद मतलब एक महीना वेट हमको इसलिए करना पड़ा ना, मेरे मन था कि हम जिस दिन फ़ोन लॉन्च हो उसके जस्ट दूसरे या तीसरे दिन बाई कर ले और फिर 3-4 दिन के अंदर मेरे घर पे आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हम कोलकाता में फ़ोन किए तो वो बता रहे थे कि प्री ऑर्डर करना पड़ेगा आपको और एक मंथ के बाद आपको फ़ोन मिलेगा। अगर आप पहले से प्री ऑर्डर करके रखते तो शायद आपको उसी दिन मिल जाता जिस दिन फ़ोन लॉन्च होता है। कोलकाता में फ़ोन किए तो वहाँ पर बोला कि आप अगर अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको पूरे 2 महीने के बाद मिलेगा। तो फिर हम सोचे कि चलो कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं। फिर ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा ढूंढे, फ्लिपकार्ट में बहुत चेक किए, तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट में रह रहा था कि हर टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक था, बोल रहा था कि आएगा आएगा ऐसा करके। तो पूरा एक महीना के बाद गाइस आज से 5 दिन पहले 17 तारीख था और मैंने 17 तारीख को ऑर्डर किया था और फाइनली आज 22 तारीख को मेरे पास मेरा फ़ोन आ रहा है। और चलिए अभी चलते हैं कुछ देर में पार्सल रिसीव करने। जस्ट अभी पार्सल वाले का कॉल आया था डिलीवरी बॉय का, उसने बोला कि अभी आपका फ़ोन आ चुका है, अभी आते डिलीवर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं लेने के लिए और बनाते हैं ब्लॉग। मस्त अभी अनबॉक्सिंग होने वाला है और दिखाते हैं आप लोगों को iPhone 16 Pro Max जो कि मैंने खरीदा है YouTube के पैसे से और आप लोगों के सामने लाइव उसको अनबॉक्सिंग करने वाले, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गाइस फर्स्ट टाइम हम iPhone खरीद रहे हैं वो भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो चलिए देखते हैं कैसा आने वाला है। तो गाइस अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी फाइनली मेरा iPhone 16 Pro Max आ गया है। तो चलिए बाहर चलते हैं, बस अभी डिलीवरी वाले भैया का कॉल आया, बाहर आओ आपको iPhone 16 Pro Max देते हैं। तो चलिए चलते अभी बाहर फटाफट से, सबको एकदम लाइन से बैठा हुआ है। यही लाते हैं भाई साहब, रियान सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, उसके बाद यास्मीन, जमील, सबको हम लोग वेट कर रहे हैं। बस डिलीवरी वाले भैया जैसे ही आएगा हम लोग फोन लेंगे। मस्त 4595 हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरमन वो वाला साइट खोल, मस्त लग रहा है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि iPhone 16 Pro Max आज हमारे घर आ चुका है और Flipkart के साइड से आया, उस साइड नहीं दिखा सकते क्योंकि उस साइड एड्रेस है। चलिए डब्बे के अंदर से निकालते हैं, ऑलरेडी इसका ओपन बॉक्स डिलीवरी है, जो भैया डिलीवर करने आए थे वो ऑलरेडी डिलीवर करते टाइम भी ओपन बॉक्स डिलीवरी की है जैसे कि आप लोग ब्लॉग्स में देख रखे हैं ऑलरेडी। तो चलिए अभी वापस से इसको अनबॉक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1,65,000 रुपये का पड़ा है हमको और ये डिज़र्ट टाइटेनियम है और सबसे ज़्यादा पसंद हमको डिज़र्ट टाइटेनियम था, इसलिए हम बहुत वेट करके लिए, पूरा हमको एक महीना लग गया इसको लेने में और 5 दिन के बाद आया। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं। इधर का दुखाड़ी आया यो, तो इसके अंदर से निकलता है चमचमाता आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि डिजर्ट टाइटेनियम है। और क्या है इसके अंदर, फोन को साइड रखते पहले, तो इसके अंदर से और निकलता है केबल जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और क्या, स्टिकर इस बार हटा चुका है और कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ पेपर्स हैं। ये रहा आईफोन 16 प्रो मैक्स, अभी हटाते आईफोन 16 प्रो मैक्स से पर्दा। ये रहा कागज जिसको हटाने का मजा अलग ही है, तो खाते अभी इसको। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा था, हम लोगों के सामने iPhone 16 Pro Max से कागज भी हट गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है, फिर से वापस से हेलो लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए अभी यहाँ से करते हैं स्वाइप अप और जितना भी सेटअप वेटअप करना है इसको फटाफट से कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट करना होगा पहले, इंडिया की तरफ, तो ये रहा इंडिया, रीज़न हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी
मीडिया में रहने दे, कंटिन्यू करते हैं। फोन का पूरा सेटअप कर चुके हैं, फोन एकदम रेडी हो गया है। जितना भी डाटा ट्रांसफर करना था आईफोन 11 से आईफोन 16 प्रो मैक्स में सारा डाटा ट्रांसफर कर लिए। और अभी फोन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसे ये स्क्रीन लॉक रहता है ना, और जब ऐसे पूरा अंधेरा हो जाता है और जैसे टैप करते ना, ये वाला एनिमेशन होता है भाई, बहुत ज्यादा मस्त है। और उसके बाद खुलते एक फोन कुछ ऐसा दिखता है। इसका कैमरा वगैरह आप लोग आगे वीडियो में देखो, आप लोगों को पता लग जाएगा कितना मस्त एकदम कैमरा है इसका। ये देख रहे गाइस, इससे पहले वाला आईफोन 11 में इतना छोटा छोटा था, और ये इतने बड़े बड़े साइज के तीन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल, और ये भी शायद 48 मेगापिक्सल है। बाकी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और इससे पहले हम जो आईफोन 11 यूज़ करते थे उसका 12 मेगापिक्सल था। तो फ़ोन कुछ ऐसा है। इसका गेमिंग टेस्ट वगैरह आप लोगों को अगर रिव्यू वगैरह देखना है तो आप लोग कमेंट करिए, हम इसका गेमिंग रिव्यू भी बनाएंगे BGMI का। जैसे कि हम लोग से BGMI खेलते हैं और फ्री फायर नहीं खेलते, कोई खेलेगा फ्री फायर? फायर नहीं करते वो वाला। तो ये है कुछ फ़ोन, बहुत ज़्यादा मस्त है, चला करके मज़ा आ गया गाइस इसको। और इसका पूरा डाटा ट्रांसफर कर दिए, बहुत ज़्यादा सही है। तो चलिए अभी इससे बाकी आगे का वीडियो शूट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि फ़ोन कैसा है। और ये फ़ोन मैंने यूट्यूब के पैसे से खरीदा है, एक भी रुपये अपने से नहीं लगाएं, जो भी पैसा लगाएं यूट्यूब से जो भी अर्निंग किए वो पैसे लगाए हैं। तो ये है कुछ ऐसा फोन, और ये जो ये लुक है ना भाई, बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक है इसका, बहुत ज्यादा मस्त लगता है ये वाला फोन। मैंने जंप किया है आईफोन 11 से आईफोन 16 प्रो मैक्स में, जो कि बहुत ज्यादा सही जंप है। और गाइस हाँ, ये फोन को इधर रखते हैं, और ये रहा डब्बा। डब्बा के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये चार्जिंग वाला केबल है जिसको अरमान खोल दिया था, लेकिन हाँ ये रहा। और ये केबल दोनों साइड से टाइप सी है, आगे से भी टाइप सी है और इस साइड से भी टाइप सी है, टाइप सी है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। और इस पे मिलता है एक ये सिम निकालने वाला, इसको क्या बोलते हैं यार, मेरे को आइडिया नहीं है। और बस डब्बा खाली है भाई। जैसे कि आप लोगों ने अभी जस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स का अनबॉक्सिंग देखा है, और हाँ अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है वो हो रहा है आईफोन 16 प्रो मैक्स से शूट। और गाइस ये जो फोन है वो मैंने अपनी कमाई से लिया, मतलब मैंने कमाया है यूट्यूब से पैसे, और जिससे मैंने खरीदा आईफोन 16 प्रो मैक्स। और इस पे मैंने अपना जितना भी है हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है गाइस, बहुत सारे वीडियोस बनाए, तब जाकर के मुझे यूट्यूब से मिला है आईफोन 16 प्रो मैक्स। मतलब इस पे जितना भी कमाई है ये फ़ोन मेरे को पड़ा है 1,65,000 रुपये का। और जो भी कमाई किए हैं, जितने भी पैसे कमाई किए, सबको सेविंग करके हम ये फ़ोन खरीदे हैं यूट्यूब के पैसे से। तो ये जो फ़ोन है मैंने यूट्यूब पर वीडियोज बनाए, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और तब जाकर के मेरे पास ये वाला फ़ोन आया। जैसे कि आप लोग अभी मेरा चैनल देख रहे होंगे, और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आईफोन 16 प्रो मैक्स बस एक ही वीडियोज, मतलब जितने भी मेरे चैनल पर वीडियोज है, आप सोच रहे हैं कि भाई इसका 2000 सब्सक्राइबर है, इसने यूट्यूब से कैसे एक फोन खरीद सकता है। तो गाइज ये जो चैनल है ये मेरा सेकंड चैनल है, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया अराउंड 1 साल पहले, और मैंने 1 साल के अंदर इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग किया ना कि मैंने 500 से प्लस वीडियोस डाल चुका हूं अपने चैनल पे। और इस चैनल पे जाकर के आप वीडियोस देख सकते हो, मैंने 500 प्लस वीडियोस डाले। और इससे पहले वाला जो चैनल था गाइज उस पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, और उस पर आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने सारे सब्सक्राइबर्स है, 3,40,000। तो गाइज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके यूट्यूब से आईफोन 16 प्रो मैक्स को परचेज किया है। और गाइज आप भी यूट्यूब पे वीडियोस बना करके पैसे आराम से कमा सकते हो, उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जस्ट वीडियोस बनाते, मतलब भाई जितने भी बंदे हैं ना, हर किसी ने एक सपना देखा होगा कि वो यूट्यूबर बन के अच्छे खासे पैसे कमाए, लेकिन जब वो यूट्यूब पे मेहनत करते ना तो वो 1-2-3 वीडियोस डालते और उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते। भाई उनको लगता है कि बस उसका 3 वीडियो ही ऐसा वीडियो है जो चल जाएगा, और वो 3-4 वीडियोस ज्यादा से ज्यादा 10-15 वीडियोस डालने के बाद वो सोचते कि भाई व्यूज नहीं आ रहा, अब छोड़ देते चैनल, और उसके वजह से वो पीछे रह जाते। अगर आप लोग भी कंटिन्यू वीडियोस डालते रहोगे, कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे, तो 101% आपके पास भी एक चमचमाता आईफोन 16 प्रो मैक्स आ सकता है। और गाइस मैंने बस आईफोन 16 प्रो मैक्स के जितना ही पैसा नहीं कमाया, उससे भी बहुत ज्यादा कमाया, बट हाँ मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स परचेज किया है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मैंने यूट्यूब के पैसे से आईफोन 16 प्रो मैक्स परचेज किया है, और आप भी परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस हाँ, ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को अगर गेमिंग रिव्यू देखना है, गेमिंग के वीडियोस देखने, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिसका आप लोगों को स्क्रीन में पहले वीडियो दिख गया, और उस चैनल का नाम है इमरान गेमिंग वाइट। आप जाओ उसको सब्सक्राइब करो, कुछ टाइम बाद वहां पे हम लोग लाइव BGMI भी खेलने वाले, बाकी स्पोर्ट्स प्लेयर भी बनने वाले हैं भाई।